नमस्ते दोस्तों, आपके पसंदीदा YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगले हफ्ते में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है और वो है 14 फरवरी। वैलेंटाइन डे इसलिए नहीं हम एक्साइटेड है, हमारे कंपनी का फाउंडेशन डे है 14 फरवरी को, इसलिए हम एक्साइटेड। और फाउंडेशन डे पे कुछ बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है। ये पिछले 4 हफ्ते से हम आपको बता रहे हैं, तो इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ, तो ये वीडियो अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, पिछले हफ्ते में हमने जो वीकली वीडियो अपडेट किया था, अपलोड किया था, उसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स दिए थे। उसी लेवल के आसपास इर्द गिर्द निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडाइसेस घूमते हुए हमने देखे। पिछले हफ्ते में निफ्टी के बारे में हमने जो कहा था, 17,500, 18,000, 18,200 के लेवल्स के बारे में हमने बात की थी। बैंक निफ्टी में हमने 40,500, 42,000 का रेजिस्टेंस बताया था। दोस्तों, इस हफ्ते में ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिसके ऊपर हमें ध्यान देना है, ये भी हम देखेंगे। उसके साथ साथ कौन से सेक्टर्स हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। और रेगुलर कमोडिटीज़ याद है पिछले हफ्ते दोस्तों हमने क्या बताया था आपको, तो उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं निफ्टी के साथ। दोस्तों, ये जो चार्ट है आपके सामने वो है निफ्टी का। याद है आपको पिछले हफ्ते में हमने कहा था कि ये जो बजट दिन का बहुत बड़ा वोलाटाइल सेशन था, उसके जो हाईएस्ट पॉइंट थे उसके बीच में ही पूरा हफ्ते का मूवमेंट होते हुए हमने देखा। अभी अगले हफ्ते के अगर हम बात करें, पीछे वाले 1, 2, 3, 4, 5 कैंडल की तरफ देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि कोशिश हो रही है बुल्स और बेयर्स दोनों की, ऊपर की तरफ से सप्लाई आता हुआ दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ से डिमांड जनरेट हो रहा है। सो अभी भी कोई भी क्लियर डिसाइसिव ट्रेंड चार्ट के ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है। तो ट्रेंड डिसाइसिव लेवल्स कौन से हो सकते हैं, तो जो पिछले हफ्ते में थे वही लेवल्स वापस एक बार चार्ट के ऊपर उभरते हुए निकल के आ रहे हैं। ऊपर की तरफ अगर हम बात करेंगे तो 18,000 ये एक बहुत अहम लेवल रहेगा। यहां से एक इसके ऊपर अगर हम जाते हैं और टिकते हैं तो हमें एक रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन डिसाइसिव मूव 18,200 के ऊपर जो पिछला स्विंग टॉप है इसके ऊपर ही हमें देखने को मिल सकती है। सो 18,000 और 18,200 ये इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे अगले हफ्ते के लिए। ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ देखेंगे तो वापस 17,500, ये जो स्विंग बॉटम बना था 17,500 के नीचे हम क्लोज नहीं हो पाए थे, तो 17,500 टेक्निकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का काम करता हुआ अगले हफ्ते में भी हमें देखने को मिल सकता है। चार्ट के हिसाब से ये 2 लेवल्स हैं। अभी हम चेक करेंगे डेरिवेटिव डेटा यानी ऑप्शन चेन डेटा। दोस्तों, ऑप्शन चेन डेटा अगर हम निफ्टी का देखते हैं तो पहले कॉल साइड देखेंगे। कॉल साइड में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 18,000 पे। 18,000 के लेवल पे करीब करीब 1,30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, यानी ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 18,100, 18,200 ये सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट मुझे दिखाई दे रहा है, और 97,000 का जो दिखाई दे रहा है वो सीधा 18,500 पे। लेकिन इमीडिएट अगर हम देखेंगे तो 18,000 और 18,200 ये अहम लेवल ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी, ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से भी कॉल साइड में रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी चार्ट के ऊपर और ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से दोनों लेवल सेम निकल के आ रहा है, जो हमारे व्यू को पुष्टि कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। अभी पुट साइड अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो हाइएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में दिखाई दे रहा है 17,800, 1,30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो थोड़ा स्कैटर्ड डेटा है, 17,700 की तरफ देखेंगे 17,600, 17,500। सो यहाँ पे नीचे थोड़ा स्कैटर्ड है, यानी 17,800 के नीचे अगर हम फिसलते हैं तो डेफिनेटली एक एक उस वक्त हमें ध्यान देना चाहिए। और इसीलिए आप लोगों को
मार्केट आउटलुक डेली की तरफ ध्यान देना चाहिए। दोस्तों मार्केट आउटलुक डेली ये जो है यहाँ पे किरण सर रोज सुबह 5:30 बजे से 6 बजे के बीच में निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर आपको व्यू देते हैं। तो आपको डाउनसाइड के लिए जो है वो डाउनसाइड के लिए नीचे आपको मार्केट आउटलुक डेली देखना चाहिए। मार्केट आउटलुक ये फ्री प्रोडक्ट है, आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे फ्री रजिस्ट्रेशन फॉर मार्केट आउटलुक डेली को क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको किरण सर का निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर रोज का व्यू यहाँ से मिलता हुआ दिखाई देगा। सो दोस्तों अगर हम मैच करेंगे ओपन इंटरेस्ट यानी ऑप्शन चेन डेटा और चार्ट, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल सेम निकल के आ रहे हैं। वापस एक बार दोहराता हूँ, निफ्टी के लिए जो सपोर्ट रहेगा 17,800 और 17,500 का रहेगा और रेजिस्टेंस के तौर पर अगर हम देखेंगे तो 18,000 और 18,200 ये अहम मेक और ब्रेक लेवल ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। अभी आते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी भी कुछ इसी तरह से बिहेव करता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 5 कैंडल्स अगर हम देखते हैं तो बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। बैंक निफ्टी में पिछले हफ्ते में जो लेवल्स दिए थे वो भी इसी हफ्ते के लिए बरकरार होते हुए नजर आ रहे हैं। नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे कंसोलिडेशन तो 41,000 का अहम लेवल चार्ट के ऊपर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रिसाइजली 41,100 है लेकिन 41,000 का अहम लेवल हम पकड़ के चलेंगे और ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो 41,800 42,000 ये दो लेवल्स चार्ट के हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हुए दिखाई देंगे। अभी हम ऑप्शन चेन डेटा देखेंगे बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डेटा की तरफ अगर हम देखेंगे तो हाईएस्ट जो ओपन इंटरेस्ट मुझे दिखाई दे रहा है कॉल साइड पे वो है 71,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि 42,000 के लेवल पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी डेफिनेटली 42,000 लेवल अहम लेवल रहेगा ऑप्शन चेन डेटा। और नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे तो 41,000 इमीडिएट है, ये बहुत ही है। यानी अभी बैंक निफ्टी अगर हम देखेंगे तो 41,559 है, यानी 41,500 बहुत ही नज़दीक है, तो इसको मैं थोड़ा इग्नोर करना चाहूँगा। उसके बाद यानी डेफिनेटली ये बहुत अहम सपोर्ट का काम करेगा लेकिन हमें चेक करना होगा मंडे को किस तरह से ओपनिंग मिलती है। उसके बाद अगर मैं देखता हूँ तो सीधा 41,000 पे 60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। यानी दोस्तों चार्ट के हिसाब से और ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से नीचे की तरफ 41,000 ऊपर की तरफ 42,000 हजार पॉइंट्स का एक बहुत बड़ा रेंज बैंक निफ्टी में बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये दो लेवल्स मेक और ब्रेक लेवल रहेंगे। इसके ऊपर या इसके नीचे डिसाइसिव मूव आने की पूरी पूरी संभावना चार्ट के ऊपर और ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से दिखाई दे रही है। दोस्तों अभी बात करते हैं सेक्टर्स के ऊपर। अभी ये जो सेक्टर्स हैं मैंने सारे सेक्टर्स के चार्ट की तरफ देखा, अलग अलग चार्ट अलग अलग टाइम फ्रेम पे चेक किए लेकिन सारे के सारे सेक्टर्स में इनडिसाइसिव मोड देखने को मिल रहा है। आप और पिछले हफ्ते मैंने ऑटो की बात की थी, हम अगर निफ्टी ऑटो देखते हैं, निफ्टी ऑटो का अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पे भी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के नहीं आ रहा है और जो लेवल्स निकल के आ रहा है बहुत दूर है। 13,450 अहम लेवल रहेगा निफ्टी ऑटो के लिए, उसके ऊपर निकलते हैं तो ही अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ मोटा मोटी 13,100 ये अहम लेवल रहेगा, इसके नीचे अगर हम फिसलते हैं तो थोड़ी गिरावट और बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम ओवरऑल ट्रेंड देखते हैं, ओवरऑल ट्रेंड पिछले कई महीनों से अगर हम देखेंगे तो बड़े रेंज में ये ऑटो इंडेक्स घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी तरह से मैंने आपको पिछले हफ्ते में और एक सेक्टर की बात की थी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, उसमें भी हमने एक छोटा सा उछाल हमें देखने को मिला, यहाँ से और एक ऊपर की तरफ मुंह आती हुई देख सकते हैं, 18,000 के लेवल्स की तरफ जाता हुआ फाइनेंशियल सर्विसेज देखने को मिल सकता है। और दो इंडेक्स की तरफ मेरा ध्यान गया था दोस्तों, निफ्टी डिजिटल, अगर हम निफ्टी डिजिटल देखेंगे सेकेंड,
ये देखिए निफ्टी डिजिटल, ये जो इंडेक्स है इसमें एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन हुआ था और उसके बाद एक अच्छा ब्रेकआउट भी देखने को मिला। हो सकता है एक छोटा सा करेक्शन आके इस लेवल को टेस्ट करे, लेकिन वहां से वापस ऊपर जाने की पूरी पूरी संभावना निफ्टी डिजिटल में मुझे दिखाई दे रही है। तो निफ्टी डिजिटल में जो जितने सारे स्टॉक्स हैं उनकी तरफ भी आपका ध्यान होना चाहिए। और दूसरा जो है निफ्टी स्मॉल कैप, दोस्तों इसमें कुछ तो होने की संभावना थोड़ी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे जो बेस फॉर्मेशन हुआ था एक, हम अगर मैं लॉन्ग थोड़ा सा कॉम्प्रेस करके दिखाता हूँ तो बहुत एक दो तीन बार इस लेवल को छूने के बाद वापस ऊपर की तरफ निकलने के लिए ये इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स देखने को मिल सकता है। अगर 9600 के ऊपर निकलता है और टिका रहता है तो स्मॉल कैप में कुछ तो अच्छी मूव्स आते हुए हम देखेंगे। तो इस हफ्ते में दोस्तों सेक्टर के ऊपर ज़्यादा कोई रुझान अच्छी तरह से देखने को नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा कॉशियस मोड पे हमें रहना चाहिए इंडाइसेस को लेकर। और वैसे भी निफ्टी बैंक निफ्टी ये जो मेजर इंडाइसेस है यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स जब तक नहीं टूटते तो कोई भी डिसाइसिव मूव इंडेक्स में जो मेन इंडेक्स है और सेक्टोरियल इंडाइसेस है उसमें आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अभी चलेंगे हम कमोडिटीज। कमोडिटीज पे जाने से पहले मैं वापस एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमने पिछले 4 हफ्ते से लगातार आपको ये बताने की कोशिश की है कि 14 फरवरी को कुछ तो होने वाला है। तो मैं अभी यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि 14 फरवरी को क्या होने वाला है। दोस्तों 14 फरवरी को सुबह 8 बजे हम एक प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, सुबह 8 बजे हम एक किरण सर का वीडियो जारी करने वाले हैं जहां पे सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको किरण सर बताने वाले हैं। तो हमारा यूट्यूब चैनल, किरण सर का ट्विटर हैंडल, जितने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, लिंक्डइन है, फेसबुक है, हम हर जगह पे ये लॉन्चिंग करने जा रहे हैं 14 फरवरी सुबह 8 बजे। और आपको ये 8 बजे ही देखना जरूरी है। वैसे तो वो वीडियो वैसे ही रहने वाला है, लेकिन अगर आप जल्दी देखोगे तो आपको मुनाफा हो सकता है। कुछ इम्पोर्टेंट यानी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपसे हाथ से निकल ना जाए, इसलिए सुबह 8 बजे से ही आपको वो देखना चालू करना है। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल जुड़े रहिए, हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी वो वीडियो डालेंगे, हम यूट्यूब पर भी। जो लोग यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को, किरण जाधव ये YouTube चैनल का नाम है, वहाँ पे आपको सब्सक्राइब करना है। टेलीग्राम चैनल जो फ्री है वहाँ पे भी ये वीडियो आएगा। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इसके लिए आप आसान तरीके से YouTube हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, हमारे वेबसाइट पे होम पेज पर ऊपर की तरफ सारे इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया के आइकॉन्स है, यहाँ पे टेलीग्राम का आइकॉन है, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल को जुड़ सकते हो। आपको उस चैनल पे भी ये वीडियो अप होता हुआ दिखाई देगा। उसके साथ साथ आप यूट्यूब पे भी जा सकते हो, यूट्यूब पे भी हमारा वीडियो रहेगा। तो आपको ये सुबह 8 बजे का टाइम बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। तो दोस्तों वापस चलते हैं कमोडिटी। सबसे पहला रहेगा गोल्ड। दोस्तों याद है आपको गोल्ड के बारे में मैंने पिछले हफ्ते में क्या कहा था? पिछले हफ्ते में मैंने ये कहा था कि गोल्ड में बहुत अच्छा रैली हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा प्राइस करेक्शन या टाइम करेक्शन हो सकता है, ऐसा मैंने पिछले हफ्ते में आपको बताया था। और उसी तरह से करेक्शन आते हुए हमने गोल्ड में देखा है। सो ओवरऑल ट्रेंड तो अप है, लेकिन एक बीच में एक ब्रीदर जो होता है वो आता हुआ हमें दिखाई देगा और उसी तरह से दिखाई भी दिया। अभी अगले हफ्ते के लिए हमारे पास कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं? दोस्तों ध्यान से सुनिए, 56,500, 56,200 ये गोल्ड के लिए अहम लेवल होगा। इसके नीचे फिसलते हैं तो करेक्शन में और थोड़ा सा बढ़त यानी गिरावट हमें और गोल्ड में होते हुए दिखाई देगी। तो इन दो लेवल्स की तरफ बिल्कुल ध्यान होना चाहिए नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ देखेंगे तो 57,500 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करता हुआ दिखाई देगा।
ये जो पिछले 5 दिनों का कंसोलिडेशन है उसको लांग के ऊपर वापस एक बार निकलना होगा अगर आउट परफॉर्मेंस देखना है। सो गोल्ड में 56,500, 56,200 नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ 57,500। अभी चलते हैं सिल्वर की तरफ। सिल्वर में 72,000 का हाई लगा के वापस एक बार नीचे आया और हम ये जो कंसोलिडेशन है इस कंसोलिडेशन के बेस फॉर्मेशन के बहुत नजदीक है। दोस्तों पिछले हफ्ते में सिल्वर के बारे में मैंने ये कहा था कि सिल्वर में 66,700 का अहम लेवल है नीचे की तरफ जो सपोर्ट का काम करेगा, और अगर हम देखते हैं तो 66,664 का क्लोज हुआ है, यानी 66,700 के थोड़ा सा नीचे है, मार्जिनली, बहुत मार्जिनली नीचे है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहूँगा। अगर डिसाइसिवली हम 66,600 इसके नीचे ही टिके रहते हैं तो मैं मानता हूँ यहाँ पे भी एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो हमें पहले हफ्ते के पहले 2 दिन थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि क्या सिल्वर यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस एक बाउंस बैक देगा या यहाँ से नीचे गिरेगा। अगर गिरावट आती है, अगर सिल्वर में गिरावट आती है 66,300 यहाँ पे वापस एक बार रिव्यू लेना चाहिए। अगर उसके नीचे भी फिसल जाता है 66,300 तो मैं मानता हूँ 65,000 और 64,500 के लेवल्स वापस एक बार सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। पूरा ध्यान 66,300 लेवल्स के आसपास होना चाहिए। ये रहा सिल्वर के बारे में। अभी चलते हैं क्रूड। पिछले कई हफ्ते से क्रूड पे मैंने पिछले 2-3 हफ्ते से मैं बता रहा हूँ कि जो क्रूड के लिए लेवल है वो अहम लेवल रहेगा ऊपर की तरफ 6,800 का, 6,800। ये देखो यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी है पिछले कई हफ्तों से। जब तक हम इसके नीचे है यहाँ पे बेस फॉर्मेशन, और ये लेवल अहम क्यों है, बहुत बार यहाँ पे टेस्ट हुआ है, इसके ऊपर निकलेंगे तो ही एक अच्छा खासा मतलब रैली वापस क्रूड में देखने को मिल सकता है। हो सकता है हम वापस एक बार इसी लेवल को टेस्ट करते हुए नजर आए, लेकिन एक रेंज बन रहा है ऊपर की तरफ 6,800, नीचे की तरफ 5,800 का लेवल नीचे की तरफ। सो ये रेंज अभी भी बना हुआ क्रूड पे दिखाई दे रहा है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू वर्ल्ड मार्केट्स, दैट इज डाउ। दोस्तों डाउ जोन्स में भी पिछले हफ्ते जो व्यू हमने बनाया था वो इंटैक्ट है। बहुत बड़ा रेंज मैंने कहा था, ये ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके दिखाई थी आपको। ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो वो है करीब करीब 34,400, और नीचे की तरफ ये जो ट्रेंड लाइन का डायनामिक वैल्यू है, या फिर हम पकड़ के चलेंगे 33,500। नीचे की तरफ 33,500 ये बहुत अहम लेवल रहेगा, इसके नीचे डाउ में गिरावट देखने को मिलने की पूरी पूरी संभावना चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। और ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे 34,500 ये ऊपर की तरफ का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके बीच में जब तक है तो हमें वोलाटाइल सेशंस डाउ में देखने को मिल सकते हैं। अभी हम देखेंगे यूएसडी आईएनआर, डॉलर किस तरह से बिहेव कर रहा है। याद है दोस्तों पिछले हफ्ते में मैंने कहा था ऊपर की तरफ हम 83 तक जाने की संभावना चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है, और अगर हम देखेंगे तो पिछले हफ्ते में हमने डॉलर को 82.80, पिछले हफ्ते में करीब करीब हम 82.3 के आसपास थे, वहां से हम 82.8 तक जाते हुए हमने रुपी को देखा, यानी गिरावट हमने बढ़ती हुई देखी। मेरा व्यू अभी भी इंटैक्ट है। मेरे ख्याल से जो रेंज मैंने पिछले हफ्ते में बताई नीचे की तरफ 81.5 और ऊपर की तरफ 83, इन दो लेवल्स के बीच में थोड़ा ऑसिलेशन देखने को मिल सकता है। ये मेक और ब्रेक लेवल्स रहेंगे रुपी और डॉलर के लिए, राइट। सो इन लेवल्स की तरफ ध्यान दें। एंड फाइनली वी आर कमिंग टू पीसीआर, लेकिन पीसीआर समझाने के बाद वापस एक बार मैं आपको कुछ रिमाइंड करना चाहूंगा, मैं पहले पीसीआर के ऊपर बात करूंगा। अभी ये पीसीआर क्या है, पुट कॉल रेशो। पुट कॉल रेशो इसके बारे में किरण सर ने एक वीडियो जारी किया था, जिन्होंने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है
प्लीज इस वीडियो को जाके देखें, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इस पीसीआर वीडियो का लिंक है। और हम हमारे एंड पे ये पुट कॉल रेशो जो है उसका रिकॉर्डिंग करते रहते हैं, यानी हम उसके रिकॉर्ड सकते हैं। देखिए दोस्तों स्क्रीन की तरफ, पिछले कई दिनों का हमारा ये रिकॉर्ड रेडी है। 10 फरवरी को पुट कॉल रेशो था निफ्टी के लिए 1.051। अभी हमने क्या किया है, ये जो रिकॉर्ड है इसको हमने चार्ट में तब्दील किया है, चार्ट में कन्वर्ट किया है। ये जो पीसीआर का चार्ट है इसको कैसे समझना है, किस तरह से इसका उपयोग करना है, ये आपको किरण सर के वीडियो में पता चलेगा। अभी यहाँ पे पुट कॉल रेशो पे जो चार्ट बना है ये अहम लेवल्स, दो लेवल्स, एक ब्लू लाइन है और एक रेड लाइन है। जब जब हम ब्लू लाइन की तरफ आते हैं और ट्रेंड ओवरऑल अगर अप है तो हमें खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए, और अगर हम रेड लाइन की तरफ आते हैं तो हमें प्रॉफिट बुक या ट्रेंड के हिसाब से शॉर्ट पोजीशन लेने की सलाह, ये इंडिकेशन मिलने की संभावना है। सपोर्टिंग टूल, एक सपोर्ट मिलता है हमारे डिसीजन को। अभी फिलहाल देखेंगे तो पुट कॉल रेशो 1.0 यानी ये जो मिडल लाइन है उसके नज़दीक है, थोड़ा इनडिसाइसिव फेज है। तो दोस्तों चार्ट के हिसाब से, ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से और पुट कॉल रेशो के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमें थोड़ा इनडिसाइसिव मोड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसीलिए हमें जो लेवल्स हमने मेंशन किए उसकी तरफ ध्यान देना जरूरी है। आपको अगर ये शीट चाहिए जो हम मेंटेन कर रहे हैं, अभी ये पुट कॉल रेशो का शीट आप अगर चाहते हो तो हम आपको भेजेंगे। आपको एक ईमेल आईडी पर मेल भेजना है, info@kiranjadhav.com। अभी आपके स्क्रीन पर ये ईमेल आईडी दिख रहा है, info@kiranjadhav.com। इस ईमेल आईडी पर आपको ये मेल भेजना, रिक्वेस्ट भेजनी है कि आप हमें पुट कॉल रेशो का ये शीट भेज दो। हम आपको ये पुट कॉल रेशो का शीट भेज देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, हमारे वेबसाइट के होम पेज पर यहाँ पे देखो 3:30 बजे, हर घंटे हम अपडेट करते हैं लेकिन आपको 3:30 बजे वाला ये जो रेशो होता है ये आपको एक्सेल शीट में डालते रहना है, तो आपका भी रिकॉर्ड मेंटेन होना चालू हो जाएगा, आपके पास भी डेटा रहेगा। सो दैट यू कैन हैव अ लुक एट वीडियो, देन रेफर दिस शीट एंड अकॉर्डिंगली यू कैन टेक डिसीजन। सो ये था दोस्तों पुट कॉल रेशो के बारे में। फाइनली वापस एक बार आप सब लोगों को रिमाइंड करना चाहता हूँ, 14 फरवरी सुबह 8 बजे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, ट्विटर पे, सब जगह पे किरण सर का वीडियो प्रोडक्ट लॉन्च के साथ हम अपलोड करने वाले हैं। तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके ढेर सारे कमेंट्स हमें चाहिए, आपके कमेंट्स की वजह से मोटिवेशन मिलता है आपको और अच्छे इनपुट्स देने के लिए। दोस्तों किरण राजन एसोसिएट्स हमारा ये जो कंपनी है उसका टैगलाइन है, पढ़कर समझ कर निवेश कर। वी एट किरण जाधव एंड एसोसिएट्स विल बी ऑलवेज बाय योर साइड। विश यू ऑल द ग्रेट सक्सेस इन द स्टॉक मार्केट्स। थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट वीक। बाय फॉर नाउ।